हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आर चैनल बिकमिंग अल्फा। ये यहाँ का ये आपको ये व्यू कैसा लग रहा है? बड़ा शानदार है ना, बड़ा शांत सेरीन, बहुत काम सा व्यू है ना। ये व्यू स्पेसिफिकली मैंने आज के इस वीडियो के लिए चूज़ किया है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खास है। इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर जो मैं आज शेयर करूँगा, ये बहुत क्रूशियल है। आज मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से, मेंटेलिटी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसी जगह बात करें जो कि शांत हो और जो इसका बैकग्राउंड देख के आपको थोड़ा शांत हो, आप थोड़ा सा फोकस्ड हो, ताकि जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बोलूँगा, वो आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। अभी ये अप्रैल 2022 चल रहा है। ये जो वीडियो आज मैं जो शूट कर रहा हूँ, ये मैं मतलब ये फैक्ट के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये शायद मेरी लाइफ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लेक्स, येट सबसे सिंपल वीडियो है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? वो आपकी तरफ से कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये वीडियो, ये जो मैं आज जो बताना चाह रहा हूँ आपको, ये आपको समझने के लिए इस वीडियो को एक बार नहीं, बार बार देखना पड़ेगा। आपको जो मैं बोलूँगा वो आपको पहले उस पर भरोसा ही नहीं होगा, आप इसको विश्वास कर ही नहीं पाओगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सिंपल क्यों? क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजर चुका हूँ, मैं सारा समझ चुका हूँ और अब मैंने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल फॉर मी। तो इट इज़ दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये कॉम्प्लेक्स येट सिंपल है। कॉम्प्लेक्स आपके साइड से, सिंपल मेरे साइड से। अभी कुछ ही टाइम में, मतलब इसी वीडियो में मैं एक स्टेटमेंट मैं दूंगा इसमें, दैट इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शेयर मार्केट दैट एनी वन कुड गिव। मतलब हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम कॉन्ट्रोवर्सी या हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स को हम सुन ही नहीं सकते। ये वही स्टेटमेंट होगा। आई एम प्रिटी श्योर जैसे ही ये वीडियो यूट्यूब में आएगा, आई विल गेट लॉट ऑफ हेट। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आएंगे, लोग मतलब शायद मुझे गालियाँ भी देंगे, लेकिन मैं ये जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ 100% फैक्ट। इससे डीप साइकोलॉजी नहीं हो सकती। मार्केट से रिलेटेड जो साइकोलॉजी, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम जो बोलते हैं, ये उसका जिसको बोलते हैं कोर कॉन्सेप्ट है, इससे डीप कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग ये वीडियोस देखेंगे, थोड़ा सा ओपन माइंड रखिएगा, थोड़ा सा एक्सेप्टिंग बनिएगा, ये नेचर, अपना नेचर इसमें करिएगा इस वीडियो के लिए। और एक बार नहीं, दो तीन बार, बार बार ये वीडियो देखिएगा, तो आगे चल के आपको समझ में आएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो फैक्ट है, एंड मतलब दिस इज़ 100% ट्रू। अच्छा, फैक्ट से मुझे याद आया कि आप लोगों को पता है शेयर मार्केट में, या एंड दिस इज़ अ फैक्ट, या शेयर मार्केट में 95% ऑफ द पीपल दैट ज्वाइन शेयर मार्केट लूज ऑल देयर मनी विद इन 1 ईयर। एक साल में वो सारा पैसा अपना खो देते हैं शेयर मार्केट में, 95% ऑफ द पब्लिक। बाकी की जो 5% पब्लिक है वो पैसा कमाती है। 5% में से भी जो 1% जो पब्लिक है उसमें, मतलब जो जो उसका बैच, जिसको मैं आला क्रीम बैच बोलता हूँ, जो मक्खन मलाई वाला जो जो लोग होते हैं, वो बहुत बहुत बहुत, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना पैसा कमाते हैं। पर अब इनमें वो 1% में, मैं आपको ये फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप वाले जो सो कॉल्ड जो मिलियनेयर से, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आपको बहुत सारे लोग ऐसे, गुरु टाइप के लोग मिलेंगे जो कि शेयर मार्केट में आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जो बोलेंगे कि हम 98%, 99% एक्यूरेसी आपको देते हैं, और बड़े बड़े स्क्रीनशॉट डालेंगे, लाखों के, मतलब लाखों लाखों रुपए के स्क्रीनशॉट डालेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि पैसा बहुत अच्छे से कमाते हैं और जिन्हें ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना पैसा कमाते हैं। इसलिए शेयर मार्केट में ऐसे लोगों से प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों से बचिए, सावधानी रखिए, दुर्घटनाओं से बचिए।
चलिए एनीवेज अपने पॉइंट पे आते हैं कि मैं कौन सा स्टेटमेंट मैं बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वी आर डेस्टिंड टू लूज मनी इन द शेयर मार्केट्स। हमारी परवरिश ही ऐसी होती है कि हम शेयर मार्केट में अपना सारा पैसा खो देते हैं, एंड हम शेयर मार्केट में घुसते ही इसीलिए हैं ताकि हम अपना सारा पैसा शेयर मार्केट को दे सकें। वाओ, शॉक लगा लगा ना, शॉक लगा। ये फैक्ट है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप मैं आपको कुछ सेकेंड आप इसको इम्बाइब करने की कोशिश करिए, इसको देखिए, ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इसको दो तीन बार, मैं वापस से बोल रहा हूँ, दो तीन बार ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं, मतलब जो मैंने ये स्टेटमेंट बोला है इसके दो बहुत बड़े रीजंस हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला रीज़न करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम बचपन से लेके बड़े होने तक एक शब्द है जो हमेशा हम सुनते हैं, हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एक ये शब्द सुनते हैं, क्या आप लोगों को पता है कि वो शब्द कौन सा है? कोई कोई बता सकता है? वो शब्द है ना, नो, यस। हमारी लाइफ का ये एक शब्द है जो हम सबसे ज्यादा बार सुनते हैं, हर चीज में ना, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, अरे इसको हाथ मत लगाओ, यहां पे ये मत पढ़ाई करो, ये पढ़ाई करो, इस कॉलेज में मत जाओ, उस कॉलेज में जाओ, ये फील्ड मत चूज करो, वो फील्ड चूज करो, ये पैसा यहां मत डाल, ये पैसा वहां डालो, इन्वेस्टमेंट यहां मत करो, पैसा यहाँ मत लगाओ, ये प्रॉपर्टी मत खरीदो, ये घर मत खरीदो, ये ऑफिस मत खरीदो। मतलब ज़िंदगी में हमें ना सुनने की आदत इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये हम खुद ही रियलाइज़ नहीं करते कि हम ना सुनते। दूसरा कि हम लाइफ में ना, हमें हर चीज़ में लोगों की डिपेंडेंस की आदत लग गई है, हर चीज़ में हमें एडवाइस मिलती है कि भैया जब बचपन में होते हैं तो हेल्प मिलती है, एडवाइस मिलती है, बचपन में होते हैं तो खड़े होने में हेल्प करते हैं लोग, चलने में हेल्प करते हैं, खाना खाने में हेल्प करते हैं, नहाने में हेल्प करते हैं, बड़े थोड़े से बड़े हो गए, स्कूल जाने में, पढ़ाई करने में, करियर चूज़ करने में सब एडवाइस देते हैं, सब हेल्प करते हैं, और थोड़े बड़े हो गए तो इन्वेस्टमेंट्स में, फाइनेंसेस में, प्रॉपर्टी लेने में, मोस्टली हमारे इंडियंस में, या मैं दूसरे लोगों का भी, अब आई विल नॉट सजेस्ट या कमेंट ऑन अदर कल्चर्स, बट मैं इंडियन कल्चर की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो सबके साथ, सबकी लाइफ में ऐसा ही होता है। वी आर यूज टू नो एंड एडवाइस, ठीक है। अब बस ये जो दो चीज़ें हैं मार्केट में, ये जो दो चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, ये हमको पूरी तरह से एक मतलब अच्छे से तैयार करती हैं मार्केट में पैसा खोने के लिए। हम सब कुछ मार्केट में इन्हीं दो चीज़ों की वजह से खो देते हैं। वापस शौक लगाना, सच बोलना, शौक लगा होगा ये सुन के, गुस्सा भी आ रहा होगा कि यार ये अंकुरी क्या क्या बकर बकर कर रहे हो, राइट। सुनते रहिए, आगे तक ज़रूर सुनिए, मैं और अब इस पर एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसी टॉपिक को मार्केट के नज़रिए से समझते हैं, आपका सब क्लैरिटी हो जाएगा। मार्केट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, मार्केट निरंतर चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। मार्केट इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर, इट इज ऑलवेज फ्लोइंग, इट इज ऑलवेज एंडिंग, एंड इट इज नेवर स्टॉपिंग। सेकेंड, मार्केट न्यूट्रल है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता बॉस कि आप मार्केट में पैसा कमा रहे हो, आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आप कहाँ से आते हो, आप कौन हो, आप टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, अदानी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। मेरी भाषा में अगर मैं बोलूँ, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें भी और ये मार्केट ना आपको कभी रोकेगी नहीं,
दूसरा, कोई भी आप डिसीजन लेते हो ना मार्केट में, वो आपको कभी रोकेगी नहीं, कभी आपको ना नहीं बोलेगी कि अंकुर यहाँ पे अब पैसा निकाल ले, अंकुर यहाँ पे इस टाइम में पैसा डाल दे, अंकुर ये स्टॉक में से तू प्रॉफिट निकाल ले, अंकुर ये स्टॉक में से प्रॉफिट बुक कर ले। ये मार्केट कभी नहीं बोलेगी, ये हमेशा चलती ही रहेगी। एंड दिस इज द बिगेस्ट, एंड आई मीन द बिगेस्ट पैराडॉक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हमें अपनी लाइफ में ना सुनने की और एडवाइस सुनने की हमें इतनी आदत होती है ना कि हम वही मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई सिग्नल मिले मार्केट से। लोग बाग चार्ट्स देखते हैं, उसमें इंडिकेटर्स लगाते हैं या चार्ट देखते हैं कि यार कुछ सिग्नल मिले कि यहाँ पे हम बाई करें, यहाँ पे सेल करें, एंड उनको ये लगता है कि है ना कोई हमें एडवाइस दे दे। लेकिन शेयर मार्केट में आपको कोई भी एडवाइस देने वाला नहीं होता, एंड ये हमारी साइकोलॉजी के साथ सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। हमें, जैसा मैंने पहले बताया, हमें तो आदत ही है ना सुनने की, एडवाइस सुनने की कि ये कर लो वो कर लो, बट यहाँ तो कुछ बताता ही नहीं है। शेयर मार्केट आपको थोड़ी बोलेगी कि बेटा यहाँ से पैसा निकाल ले, यहाँ पे पैसा डाल ले, यहाँ बुक कर ले, ये तो कभी नहीं बोलेगी। तो ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हमारे साइकोलॉजी के साथ, हमारी साइकी के साथ। यहाँ हमें कोई रोकने वाला होता नहीं है, कोई समझाने वाला होता नहीं है। इससे क्या होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो करते चले जाते हैं। अगर हम लॉस दे रहे हैं या अगर हम कोई पोजीशन में घुस रहे हैं तो हम घुसते चले जाते हैं और लॉस देते 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 ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि वो लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारा सारा पैसा ही चला जाता है शेयर मार्केट में। वी लूज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एंड मतलब इसको अगर आप नहीं समझ सके ना, तो सारा का सारा आपका खेल खलास, ख़त्म। ये बात को मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो ये आज मैंने ये बनाया है कि आप ये बात को समझिए, ये वीडियो को बार बार देखिएगा। जो मैं कह रहा हूँ उसको आप एक्सेप्टिंग नेचर, खुले दिमाग से आप सोचिए और अपनी लाइफ के साथ कोरिलेट करिएगा जो मैंने बातें बताई हैं। आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि यू आर ऑलवेज डेस्टिन टू लूज मनी इन द मार्केट्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन चेंज दैट यू डेस्टिनी। यू कैन ऑलवेज चेंज योर डेस्टिनी। वो बोलते हैं ना, डेस्टिनी इज अ मैटर ऑफ चॉइस एंड नॉट अ मैटर ऑफ चांस। अब कैसे आप इससे बच सकते हैं, उसके लिए आप, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, तो ये आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आने वाले टाइम में इसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बीच में रखते हुए मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा और मैं आगे भी बहुत सारे वीडियोस इसी के ऊपर मैं बनाऊंगा कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस, साइकोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस होता है। एंड मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब में ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इट इज़ अ वेरी अंडररेटेड टॉपिक, इसके ऊपर बहुत लोग नहीं बोलते हैं, बहुत वीडियोस नहीं बनते हैं। एंड मैं जो बताऊंगा, इट इज़ वुड बी द कोर ऑफ यू नो साइकोलॉजी, जो मार्केट से रिलेटेड साइकोलॉजी है। बहुत डीप वाली बातें बताने की कोशिश करूंगा सरल भाषा में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपके और भी जो ट्रेडर रिलेटिव्स में कोई होते होंगे जो ट्रेडिंग करते होंगे, भाई बंधु हैं जिनके जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके साथ शेयर करिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक जनरल अवेयरनेस हो कि मार्केट कैसे काम करती है और हमें हमारा माइंडसेट, हमारा साइकोलॉजी, हमारा एटीट्यूड मार्केट के तरफ कैसा रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और क्लैरिटी के लिए, और इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे साथ ज़रूर आगे भी जुड़िएगा, चलते रहिएगा। थोड़ा बहुत आगे आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो कुछ अच्छा ही सीखेंगे, ठीक है ना गाइस। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंकुर शाह साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बिलीव इन योर सेल्फ गाइज, बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। दुआ में याद रखना। टेक केयर गाइज, मिलते हैं जल्दी।